अभी नेक्स्ट डे नेक्स्ट कुरियर, कल BMW का आया, आज ये एक दूसरा कुरियर आया, अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ फटाफट। इसमें पता नहीं क्या आया है, अनबॉक्सिंग के लिए भाई 2 लोग तो लगते ही लगते हैं। इसमें तो घास आया है सिर्फ, तो देखते हैं क्या है इसमें, दिख तो घास ही रहा है बस। तो ये सेफ्टी है, मतलब कि पार्ट डैमेज ना हो इसलिए ये ऐसा डाल कर देते हैं। है इसके अंदर बॉक्स है, सो निकाल लेता हूँ मैं। इतने बड़े बॉक्स के अंदर बस इतना सा बॉक्स निकला है, नहीं भाई ये भी निकला है, ये बॉक्स भी इसमें निकला है, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं फटाक से, देखते हैं इसमें क्या है। बस तो रहा है और इसमें भी देखते क्या है। ये तो पैकेजिंग इतनी कुछ खास नहीं है इसकी, खोल लेते हैं। तो इसमें मिरर है, ये मिरर है इसके अंदर, जो कि ये BMW 5 सीरीज का है, जो कि इसको इंस्टॉल करेंगे अभी हम। BMW का ही ना सीरीज। ये गाड़ी और ये इसका पूरा अंदर का ब्लैक हो चुका है, इसलिए ये नया डालना है। अभी मैं फटाफट से इसको खोल लेता हूँ और इसको इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ। ऐसे चारों भी है, इधर का भी ख़राब हो चुका है, पीछे का भी ख़राब हो चुका है और साइड का भी, जो कि खोल रहे हैं अभी। और ये बटन का भी पूरा ब्लैक हो चुका है, ये भी मंगाया, ये भी चेंज करना है। ये खोल लिया गैरेज पे ना, कपड़ा लेने सो फाइनली गाइस, आपको ये पट्टी बाहर खींचनी है। बाहर खींचने के बाद में इसके ऊपर लोड करके लॉक निकाल लेना है और फिर आगे की तरफ स्लाइड करना है, जिसकी वजह से पीछे का लॉक है ना जो निकल जाता है। सो ये पट्टी आपके बाहर आ जाएंगी, इसको लॉक आता है इधर, जो कि आपको नीचे से अंदर प्रेस करना होता है। इसको ऊपर भी उठाया तभी वो लॉक निकल जाता है। और ये कवर होता है साइड का, ये कवर को आपको ऊपर से खींचना है, फिर नीचे से खींच कर बाहर निकालना है। इसके अंदर भी एक बोल्ट आता है और ऊपर के कवर के अंदर भी एक बोल्ट आता है, जो कि आपको खोल लेना है। वो खोलने के बाद में आपको 30 का स्टार ले लेना है, ये 30 की स्टार छोटे पेटी के अंदर आती है, इसको आपको खोल लेना है। ये बोल्ट खोलने के बाद में आपको ऊपर का भी बोल्ट खोलना है, और ऊपर 2 बोल्ट आते हैं राइट साइड के अंदर, जो मेन 4-वे स्विच होता है उसके ऊपर के पट्टी में आपको 2 बोल्ट मिलेंगे। ये लेफ्ट साइड का है, इसके अंदर बस ऊपर एक और नीचे एक बोल्ट आता है, और लेफ्ट साइड में 3 बोल्ट आते हैं, ये बोल्ट भी आपको खोल लेना है। तो ये बोल्ट फटाफट मैं खोल लेता हूँ, वो कोई बंदा है नहीं वीडियो पकड़ने के लिए, इसलिए खोल भी मैं ही रहा हूँ, वीडियो भी मैं ही बना रहा हूँ। आप जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, उसके वजह से आपको और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे, अच्छे क्वालिटी में भी और अच्छे स्टेबलेशन भी मिलेगा, और उसके बाद में आपको मैं अच्छा। सो ये स्पेशली टूल है, डैशबोर्ड ओपनर बोलते हैं इसको, इससे डैशबोर्ड और ट्रिम ओपन कर सकते हैं। पर अपने पास लेने के लिए गया था मैं, कॉस्टली था, इसलिए एक स्क्रू चाबी की मदद से आपको इसको अंदर डालकर बाहर खींच लेना है। कोई प्रॉब्लम नहीं उससे करो या इससे करो, कोई मतलब नहीं उसका, बस इतना कि वो प्रोफेशनल जैसा रहता है। और ये अपना ट्रिम बाहर आ जाता है इसके नॉप निकालने के बाद में, रेगुलर गाड़ी जैसा ही है, कोई भी कर लेगा। बस इसके बोल्ट अंदर होते हैं, फिर इसको आपको पीछे से ऊपर उठाना है और आगे से नीचे कर कर इसको बाहर ले लेना है, क्योंकि आगे लॉक आता है। उसके बाद अंदर भी 30 के स्टार थे, 2 30 के स्टार थे और 2 20 के थे, तो मैंने वो बोल्ट भी खोली और ये बाहर आ गया। तो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि ओपन भी मैं कर रहा था। आधा घंटा लगा हमको इसके फिटिंग के लिए। ये है BMW 520D। सो मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या क्या किया है। सो फर्स्ट ऑल मैंने ये इसको चेंज कर दिया, क्योंकि ये कंपनी का बहुत गंदा मटेरियल आता है, आप देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है। ये एकदम फाइबर आइटम है और इसके ऊपर एकदम लोकल क्वालिटी का ये लेदर चढ़ाया है, तो ये मैंने पूरा फाइबर आइटम में डाल दिया। ये पूरा फाइबर का है, एक लाइफ टाइम के लिए
ख़राब नहीं होगा, इसके लिए बस गंदे हाथ लगे तो ख़राब होगा। फर्स्ट ये चेंज किया, सेकंडली ये चेंज किया, आपको लगेगा नहीं ये चेंज किया है क्योंकि एकदम कंपनी जैसा नया दिख रहा है। ये अंदर का बॉटम और ये बटन का स्विच, ये वही है पुराना वाला, बाकी ये चेंज कर दिया मैंने। ये अंदर का देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका था। ये ब्लैक फाइबर है और उसके ऊपर ना ये लेदर फाइबर चढ़ाया है, आप देख सकते हैं कितना गंदा है। सो मैंने इसको ये फाइबर का डाल दिया तो उसका कोई टेंशन नहीं है। और ये बटन चेंज कर दिया, ये भी ऐसे ही लोकल क्वालिटी का था, गंदा हो चुका था तो मैंने इसको भी चेंज कर दिया। इधर के दोनों चेंज करने के बाद में मैंने इधर का भी डोर के अंदर का बटन और ये पैनल चेंज कर दिया, जो कि ये देख सकते हैं अब इधर का ये है, उधर ही पड़े हैं, चारों चेंज कर दिए मैंने। आगे का ही सेम, ये और ये अंदर का बॉटम चेंज कर दिया और ये पुराने वाले कितने, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था तो ये भी डाल दिया। ये एकदम कचकड़े आइटम है, मतलब एकदम ये मटेरियल वाला मटेरियल है ये। और ये जो था ये ब्लैक फाइबर था और उसके ऊपर ये लेदर चढ़ाया था कंपनी ने, तो मैंने इसको ओरिजिनल कर दिया। सो अभी इसके शॉकअप सर्वे आ चुके हैं, वो भी फिटिंग करने हैं, BMW ही है 5 सीरीज़। और इसकी चूहे ने वायरिंग भी कट की है वाइपर के नीचे, मैं इसकी भी वीडियो बना रहा हूँ अभी, मैं वो भी खोल लूँगा। सो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को अगर तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।